और देखिए सारे बच्चे हैं लेके और सब एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बालकनी में खिले कुछ फूल जो बहुत दिनों बाद खिले हैं। पहले फूल हैं, इस सीज़न का पहला फ्लावर खिला हुआ है। तो इसमें काफ़ी टाइम से ना फ्लावरिंग बंद हो चुकी थी इसमें, लेकिन बारिश का पानी मिलने से ये इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई और बहुत सारी कलियां आना स्टार्ट हो गई हैं। आगे भी ये ना फूलों से भर जाएगा बिल्कुल, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। धीरे धीरे इसमें बढ़ते जाएंगे फ्लावर। तो बहुत अच्छा लगा ये, मैं भी नहीं देखी थी, मेरी बेटी मुझे बताई कि मम्मा इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। तो बस मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए सदाबहार का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग बंद थी, अब इसकी भी सारी ब्रांच में कलियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। और ये देखिए ये दो पहले फूल खिले हैं इसमें, अब इसमें भर भर के फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारी कलियाँ आई हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी फिर बाद में जब खिलेंगे फूल। तो और इसके बीज से देखिए, कभी इसके बीज गिरे होंगे ना पुराने, तो देखिए मैं दिखाती हूँ अभी आपको। इसके दो नए नए प्लांट भी उगे हैं, ये देखिए ये दिखे ये, इनको मैं सोच रही हूँ किसी एक बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ, तो इसमें फिर से एक नया प्लांट अच्छे से बन जाएगा और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये पता नहीं कौन सा कलर है, मेरे पास पहले एक और कलर का सदाबहार था, शायद उसके बीज हैं कि इसके ही हैं, पता नहीं, जब फूल आएंगे तभी पता चलेगा। और ये देखिए ये मिर्ची का फूल कितना सुंदर है ना, ये मिर्ची का फूल है भाई, कितना सुंदर है लेकिन तो ये देखिए चिली में भी ना फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये ब्लैक कलर की है, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, कहीं ना कहीं इसमें आई हुई है मिर्च एक दो। दिखाती हूँ मैं भी आपको कैसी मिर्च है ये, कहाँ गई देखती हूँ। फ्लावर बड़े सुंदर हैं इसके, लेकिन ये देखिए ये ऐसी मिर्च होती है, ये तो अभी छोटी है, बस अभी आना स्टार्ट हुई है, अभी ये बड़ी होगी फिर है ना, बड़ी होकर ग्रीन हो जाती है, ग्रीन से रेड हो जाती है, ये देखिए है ना, ऐसी ऐसी आती हैं। और जब पूरे पेड़ पौधे में पूरी भर जाती हैं और रेड हो जाती हैं ना, बहुत सुंदर लगता है पूरा पौधा। तो बस यही थे। और ये देखिए नीचे मीठा नीम, बारिश का पानी मिलने से वो भी अच्छा हो रहा है, ये भी बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक गई थी, अब ठीक हो रहा है थोड़ा। और ये एक प्लांट, इसमें भी काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग नहीं हुई है, अभी देखते हैं इसमें कब आता है, बहुत सुंदर फूल आता है इसमें भी। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।